सितारे जिन पर लगा रहे रेप का आरोप। बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर दिन सितारों को लेकर कोई न कोई खबरें आती रहती हैं। कभी फैशन तो कभी किसी से अफेयर, कभी किसी की तकरार तो कभी फिल्मी गलियारों की गॉसिप्स को लेकर लोग चटकारे लेकर पढ़ते और सुनते हैं। आज हम देखेंगे वो सितारे जिन पर लगा रेप का आरोप। नंबर एक, 23 साल की मॉडल ने कहा इसने मेरा रेप किया। एक्टर इंद्र कुमार पर एक 23 साल की मॉडल ने रेप का आरोप लगाया था। उनका ये कहना था कि फिल्म में रोल दिलाने के नाम पर उनका शोषण किया गया। सिर्फ यही नहीं, मॉडल को मारपीट कर बंदी बनाने का आरोप भी इन पर लगा था। इंद्र कुमार ने बतौर एक्टर कई फिल्मों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कई फिल्में बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के साथ भी की हैं। नंबर दो, गर्लफ्रेंड ने लगाया रेप का आरोप। अपने एक ही गाने से बॉलीवुड दुनिया में रातों रात स्टार बन गए अंकित तिवारी पर उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली गर्लफ्रेंड ने ही रेप का आरोप लगाया था। अपने करियर के पीक पॉइंट पर उन्हें सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ा। रेप का आरोप लगने के बाद अंकित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। नंबर तीन, इस डायरेक्टर ने भी लड़ी खुद को बेगुनाह साबित करने की लड़ाई। फिल्म जर्नलिस्ट से फिल्म मेकर बने सुभाष कपूर ने जॉली LLB को डायरेक्ट किया था और अपने समय में इस मूवी ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इन पर एक महिला ने सेक्सुअल मोलेस्टेशन का आरोप लगाया था। इनकी एक वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड की गई थी। नंबर चार, मधुर भंडारकर पर गिरी थी गाज। अलग अलग टॉपिक्स को लेकर फिल्में बनाने वाले मधुर भंडारकर किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, पर इन्हें भी रेप के आरोप को झेलना पड़ा। एक लड़की ने इनके ऊपर फिल्म में काम करने के नाम पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। ये अलग बात है कि कई साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद इन पर लगे आरोप को खारिज कर दिया गया था। शाइनी आहूजा भी नहीं बचे। काफी फिल्मों में अपनी अदाकारी के दम पर लोगों के दिलों पर छाने वाले शाइनी पर उनकी नौकरानी ने ही रेप का आरोप लगाया। इसके बाद उन्हें इनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। कई दिन जेल में रहने के बाद ये रिहा हो पाए थे। ये हैं वो सितारे जिन पर लगा रेप का आरोप। ये वो बातें हैं जो सुर्खियों के आने के बाद लोगों तक पहुँची। जरा सोची इतने और कितने किस्से होंगे जो लोगों तक पहुँच ही नहीं पाते। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटनाएं न हों और ऐसी घटनाओं में दोषी को सजा जरूर मिले। देश दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।